मेरे प्यारे दोस्तों, हर चीज का एक सही वक्त होता है और एक मोहब्बत का मुकम्मल होने के लिए भी सही वक्त होता है। ये बात आज की सक्सेस स्टोरी में आप सीखेंगे। आज की सक्सेस स्टोरी में मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे हमारी स्टूडेंट स्वाति ने फाइनली मैनिफेस्ट कर लिए उनके पार्टनर को, जिनकी सगाई ऑलरेडी हो चुकी थी बिना उनकी मर्जी के। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की सक्सेस स्टोरी में। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं आज का ये अद्भुत वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, सक्सेस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले रुक जाओ, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को खास करके ऑन करो, ताकि ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपके पास आती रहें। और क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत दिनों के बाद आया हूँ। आप देख रहे हैं श्रावण के महायज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ चल रहे हैं। सम्मिलित नहीं हो रहे हो तो सम्मिलित हो जाओ। अब पढ़ लेते हैं आज की सक्सेस स्टोरी। और आज की सक्सेस स्टोरी हमें भेजी है स्वाति ने। स्वाति लिखती हैं, हेलो ऋषभ सर, माय नेम इज स्वाति, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम शेयरिंग माई सक्सेस स्टोरी विथ यू। एज यू नो, मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया था मेरी रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पार्टनर की फैमिली रेडी नहीं थी हमारी शादी के लिए। उन्हें बहुत प्रेशर किया गया शादी के लिए। मैंने आपकी वीडियोस पहले भी देखी थी, बट मैं उस टाइम बहुत टेंशन में और डिप्रेशन में थी, इसलिए कॉन्टेक्ट नहीं किया। देन मेरे पार्टनर की फैमिली ने फोर्सफुली उनकी एंगेजमेंट करवा दी। उसके बाद मुझे लगा अब सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है, आई मीन इससे बुरा और क्या होगा। देन आई कॉन्टेक्टेड यू। मेरी बात हेल्पलाइन में आर ओ सर से हुई। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। देन मेरी आपसे बात हुई पर्सनल सेशन में। आपने मुझे गाइड किया, मैंने वो सब किया जो आपने बताया था। टू बी एग्जैक्ट, फीलिंग पे फोकस करो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो प्यार पे। मैंने मेरी फीलिंग्स पे फोकस किया, मैंने प्यार की फीलिंग में फोकस किया। ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रक्रिया को बहुत ही शिद्दत के साथ फॉलो किया। बात बिगड़ चुकी थी, बात इतनी बिगड़ जाएगी, सो मैंने बिना रिजल्ट के बारे में सोचे ये सब फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मेरी बात हो ही रही थी मेरे पार्टनर के साथ। मुझे मेरे पार्टनर कॉल करते थे रात को अराउंड 12:30-1 बजे और कहते हैं मुझे अभी मिलना है, कल जितना जल्दी हो। और यू वोंट बिलीव कि सर नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे मैं उनसे मिली। उन्होंने सबसे पहली बात यही कही जो मैं सुनना चाहती थी। उन्होंने कहा मेरी एंगेजमेंट टूट गई है और मैंने फैमिली को मना लिया है तुम्हारी फैमिली से बात करने के लिए, तुम अपने घर पर बात करो। एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड क्राइंग। ही सेड ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने तो गिव अप कर दिया था, ये सिर्फ तुम्हारे भरोसे की वजह से हुआ है। उसके बाद दोनों फैमिली ने बात की, सब ठीक रहा। दिवाली के बाद हमारी एंगेजमेंट फिक्स हुई है। सर ये जीत भले ही मेरी हो बट इसके हकदार सिर्फ आप हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो मेहनत करते हैं बट उन्हें मेहनत करना सिखाना एक टीचर का काम होता है। थैंक यू बीइंग अ मैजिशियन ऑफ माय लाइफ, यू चेंज माय होल लाइफ इन जस्ट 2 मंथ। थैंक्स टू यू ऋषभ सर एंड आरव सर, थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी बहन स्वाति और मेरे जितने स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। बहन, आपने इतने बड़े बड़े शब्द मेरे सम्मान में कह दिए हैं जिसका जिसका असली हकदार मैं नहीं हूँ, केवल और केवल आप हैं। वो यूनिवर्स है जिनकी बदौलत आप आज रिजल्ट तक पहुँचे। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप मुझे इतना सम्मान देते हैं, इतना प्रेम करते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा कि गुरु को महान सिर्फ उसका शिष्य ही बनाता है। आप जैसे शिष्य हैं तो आज मेरे पास इतने प्यारे प्यारे
मुझे इतने प्यारे प्यारे शब्द सुनने मिलते हैं, इतने वाक्य सुनने मिलते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, जीवन में आप सफल रहें, ऐसी खुशियां मैनिफेस्ट करें, सक्सेस मैनिफेस्ट करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों का मोटिवेशन बढ़ पाए। दोस्तों आज की सक्सेस स्टोरी में ज़्यादा बिना लेक्चर दिए हुए दो सिंपल बात बताता हूँ। पहली बात, इनके पार्टनर ने सक्सेस स्टोरी में बताया, जैसे पर्सनल सेशन में मेरी उनसे बात हुई थी, पार्टनर ने गिवअप कर दिया कि नहीं भैया मेरे से नहीं हो रहा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। जब जिस इंसान के लिए आप प्रक्रिया कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, वो इंसान मना कर दे फिर क्या करोगे? हिम्मत चाहिए, बिलीव चाहिए। ये हिम्मत और बिलीफ ही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी। तो अगर प्रॉब्लम ये है कि पार्टनर नहीं मान रहे हैं, तो ये एक साइन है यूनिवर्स का आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए आज ये वीडियो आया हुआ है, अगर आपके पास ये वीडियो आया है। क्योंकि दूसरी बात जो बता रहा हूं वो इसी से जुड़ी हुई है। कोई भी चीज़ कोइंसिडेंट नहीं होती इस दुनिया में, कोइंसिडेंस नाम की चीज़ नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक गहन रीज़न है, क्यों ये चीज़ हुई, क्यों ये घटना घटित हुई। ये वीडियो देखना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपकी प्रॉब्लम अगर सिमिलर है, सॉल्व नहीं हो रही है, तो अभी हेल्पलाइन पर संपर्क करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए और सक्सेस स्टोरी भेजिए, क्योंकि सक्सेस स्टोरी का इंतजार मैं तहे दिल से कर रहा हूँ। जैसे स्वाति जी ने बताया कैसे 2 महीने में उनकी लाइफ चेंज हो गई। मैंने शुरुआत में कहा था ना कि एक सही वक्त होता है हर चीज़ का, हर चीज़ का सही वक्त होता है। काश वो कुछ समय पहले यूज़ कर लेती, ऐसे थॉट आए होंगे दिमाग में कि चलो एंगेजमेंट होने मतलब हो चुकी है, काश मैंने पहले कॉन्टैक्ट किया होता। यही है आज का सबसे बड़ा ज्ञान, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। अगर ये वीडियो मिली है तो यही सही वक्त है मेरे प्यारे दोस्तों। आपके और आपकी सक्सेस के बीच में बस इतनी सी दूरी है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा हाथ बढ़ा रहा हूँ, आपको वो हाथ आगे लाना है, दोनों मिलके सक्सेस तक पहुंचेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, बिना किसी शर्तों के, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के। आगे आपकी इच्छा है। यहीं पे सक्सेस स्टोरी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।